बहुत अच्छी लगी और मैं तो चाहता हूँ कि हर इंडियन को ये देखना चाहिए। क्या खास बात है? एक्टिंग, कंटेंट और सब कुछ। हाँ, डायरेक्शन भी बहुत ज़बरदस्त था। हाँ, बहुत मस्त लगा। फ्रेंड्स को नहीं, पूरे इंडिया को एडवाइस दूंगा कि देखो ये मूवी। हाँ, बदलेगी ना कि कैसे हमें अपने वतन के लिए करना चाहिए। आउट ऑफ 4.5। सुना नथिंग मच ग्रेट। नहीं नहीं, नथिंग, नो एक्सपेक्टेशन से बहुत कम है। नॉट एंटरटेनिंग, नथिंग, नो एक्शन, नथिंग, कुछ मारा मारी कुछ है ही नहीं। मीन्स एजेंट की लाइफ दिखाई है, लेकिन आई डोंट थिंक इट विल क्लिक। एक्टिंग ठीक है, एक्टिंग कर लेता है, बट कुछ एंटरटेनिंग नहीं है ना। यू कांट गेट थ्रू, पब्लिक बोर हो रही है, बैठे बैठे सो रही है सर। मेरे पड़ोसी तो खड़ाटे मार रहा हूँ बेचारा, तो क्या करें बता। देने के लिए दो दूंगा, बाकी देने के लिए म्यूजिक के ऊपर ध्यान नहीं जाता कभी भी। पिक्चर वो तो डड़ा डुड़ चलता रहता है आजकल। नथिंग, थैंक यू, ओके। और देश के लिए कुछ अच्छा उन्होंने पिक्चर बनाई है। हमें कुछ नया जानने को मिला हिंदुस्तान को, कि हमारे देश के कुछ आदमी उधर जाके कुछ अच्छा काम करते हैं। उनको बहुत बेहतरीन पिक्चर लगी और 5 स्टार देना चाहते हैं हम इसे। और देश के हर आदमी देखना चाहते हैं कि हमारे देश के वतन के लिए कुछ करते हैं कोई हमारे लिए। लेकिन बेहतरीन होने की वजह क्या, क्या खास है इस फिल्म में? स्क्रिप्ट खास है, एक्टिंग खास है, लोकेशन क्या खास है? नहीं, इसमें देश के लिए खास आदमी हमारे जाते हैं पाकिस्तान में, वो स्टोरी बहुत खास है कि उन्होंने अपनी जान पे बाजी लगा के काम करते हैं, वो हमें बहुत बेहतरीन लगी है। मुझे कमजोरी लास्ट का यही कमजोरी लगी कि हमारे हिंदुस्तान के जहाँ जाते हैं उधर फिर उनको कुछ कदर नहीं होती है, वो कमजोरी लगी मेरे हिंदुस्तान के लिए कि उधर 2 जमीन भी नहीं मिलती उनको, कि आने के लिए भी नहीं मिलती। और बहुत मुझे दुख लगा कि हमारे हिंदुस्तान के वहाँ जाके उसकी कोई कदर नहीं होती। सर के साथी हूँ, सर ने जो बताया वही, और टोटल मिला के फिल्म अच्छी थी और हीरो वगैरह सब एक्टिंग अच्छी, गुड एक्टिंग, एवरीथिंग इज गुड। मैं 5 स्टार देना चाहूँगी, मुझे अच्छी लगी ये फिल्म। फिल्म बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही अच्छी थी। और जनरली कंट्री के ऊपर है, डिटेक्टिव एजेंसीज के ऊपर है, जो हम लोग जनरली देखते नहीं है, तो इस मूवी में वो सब देखने को मिला। और जॉन अब्राहम को ऐसे रोल में कभी देखा नहीं था, और ऑब्वियसली जो 3 पार्ट्स कैरेक्टर्स दिखाए जॉन अब्राहम के, वो बहुत ही अच्छा है। और जनरली पेट्रियटिज्म के ऊपर है, तो बहुत ही यस। हाँ, तो वो ही था कि जॉन अब्राहम ने एक अच्छी जो रेंज पकड़ी है पेट्रियटिज्म मूवीज करने की, विच इज़ वेरी गुड, एंड ही इज़ डूइंग गुड जस्टिस विद द रोल दैट ही इज़ डूइंग। परमाणु को शायद से, या शायद से, बिकॉज देखने जाए तो दोनों को कंपेयर भी नहीं कर सकते, बिकॉज दोनों का कंटेंट बहुत ही डिफरेंट है। परमाणु का बहुत ही डिफरेंट कंटेंट था और इसका बहुत ही डिफरेंट कंटेंट है, तो पॉइंट ऑफ व्यू दोनों का डिफरेंट है। दोनों की एक्टिंग बहुत ही अच्छी थी। मौनी राय का दो इतना बड़ा रोल नहीं था, बट व्हाटएवर शी हैड उन्होंने बहुत जस्टिस किया उसमें। और जॉन अब्राहम ने तो बहुत ही अच्छी तरह से पुल किया। 4.5। मुझे काफ़ी अच्छी लगी फिल्म, बहुत कन्विंसिंग है। जॉन अब्राहम की एक्टिंग बहुत अच्छी है इस बार, उनको हर बार में एक ही तरह के रोल में ज़्यादा देता था, जैसे रेस थी में देखा है, फोर्स में देखा है, इस काइंड ऑफ एन एग्रेसिव कैरेक्टर हर बार उनका आया है, लेकिन इस बार ही वॉज क्वाइट सटल। एंड एक्शन मूवी में ज़्यादा नहीं था, एक्शन वॉज सटल, एवरीथिंग वॉज वेरी कन्विंसिंग। सिकंदर खेर का एक्ट भी अच्छा था, एंड मूवी ओवरऑल इज़ अ वेरी गुड डिपिक्शन ऑफ हाउ इंडिया इज टेकिंग केयर ऑफ ऑल द मार्टियर्स हू हैव बीन देयर सर्विंग द कंट्री विदाउट एनी देयर ओन, उनके बिना किसी इच्छा के वो अपने हमारी कंट्री को सर्व कर रहे हैं। लाइक दे आर ऑलवेज बीन अननेम्ड, दे आर नॉट इन द लाइम लाइट बेसिकली। सो ये चीज़ एक अच्छी है जो हमारा भारत देश हमको बार बार याद दिलाने की कोशिश कर रहा है कि या देर आर पीपल हु आर ऑलवेज वर्किंग फॉर इंडिया, एंड इट्स अ गुड थिंग दैट दे आर प्रमोटिंग दिस थिंग राइट नाउ। एंड एक चीज़ और, इसमें कुछ पॉलिटिकल मुद्दे ज़्यादा नहीं दिखाई दिए, क्योंकि उस टाइम जिस तरीके से कांग्रेस सरकार का
राज था, तो इस बार इसमें पॉलिटिकल वे में थोड़ा ज़्यादा प्रमोट नहीं किया है कि नहीं कांग्रेस ने किया है, कांग्रेस ने किया है. सो ये चीज़ एक मुझे अच्छी लगी कि इट इज़ नॉट दैट पॉलिटिकल एंड मूवी इज क्वाइट गुड ओवरऑल. परमाणु को डेफिनेटली पीछे छोड़ के एंड बिफोर कमिंग टू दिस मूवी आई एक्चुअली टुक अ रिव्यू ऑफ ऑल द जॉन अब्राहम्स इन विच जॉन अब्राहम इज देयर एज अ लीड. सो परमाणु डिड नॉट डू दैट वेल एज सत्यमेव जयते. What I think in this country, people need to get more aware about the facts, what has been going on around the world, and hamari jo general crowd hai is not that educated, kyunki abhi India ka education level is quite, literacy level is quite low. So us hisab se Satyamev Jayate did very good, whereas on the other hand I thought ki Parmanu should do good because it's a movie that is based on the actual real events that has happened in India and people should know about it. So yeah, this is again another real life event that has been told to us. So I think Parmanu ke baad ye movie will do good. Roy is going to do good. Haan ji? Moni Roy ne bhi bahut acha kaam kiya hai. I personally like Moni Roy a lot because unke looks and the way she acts is fitting the character in which she is. And no doubt she has done a fabulous job. Ji? Friends ko I would advise ki do come and watch the movie and it is a must watch movie in theater. You should watch it. And critically if I would say movie mein suspense acha hai, action zyada nahi rakha hai, it is subtle and it is realistic. Whereas jab hum dekhte hain alag movies mein, jahan John Abraham jaise alag alag movies mein aate hain, ek mukka mara and the person is flying away like anywhere. So this time they tried to kept it more realistic. So yeah, I would suggest them to watch the movie. ये आप बात एक मिनट रुक चलना. ऑटो पे कितना स्टार देना चाहिए? जी. ऑटो पे कितना स्टार देना चाहिए? मैं इसको 4. चलिए आ जाइए. ये यहां पे कैसे लगी फिल्म आपको? ठीक लगी. क्या खास बात लगी फिल्म? खास तो ऐसा कुछ इतना ये नहीं है, मगर जो बोलते पॉलिटिक्स वाले उनको जो काम के लिए भेजते हैं उसको फंसाया जाता है. बस तो फंसे नहीं, अरे होशियार है और शेर को सवा शेर मिलता है. बदलना चाहिए, लोगों की सोच बदलना और सोच बदली तो इंडिया बदलेगा. क्या पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व किया गया है इसमें? ज्यादा नहीं है. और सोच बदले तो ही काली मोदी जी बदल नहीं सकते. और शुरुआत अपने से करना चाहिए. सब पॉलिटिक्स अपने की इंडिया का जिम्मेदार आदमी है हर एक आदमी. परमाणु के बाद में ये फिल्म आई है और काम एक्शन मूवी अच्छी है, देखने जैसी मूवी, एक बार तो देख सकते हो आराम से. जॉन की एक्टिंग एकदम अच्छी है. देखो एक बार तो देखो. चार